अस्सलाम वालेकुम एंड फोन सिटी में खुश आमदीद। मेरा नाम यासीन है दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 बॉक्स पैक फोन्स जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस के अंदर है। मैं ये बता दूँ, जिस किसी को इस प्राइस से एतराज़ है दोस्तों, ये मेरी प्राइसेस है, मार्केट में मुमकिन है कम भी मिल जाए ज़्यादा भी मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ़ोन महंगा दे रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बनिस्बत इसके कि आप कमेंट में 10 तरह की बातें करें, आप कहीं और से रेट लेकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। बात मैं क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों ने ये बात कही है, तो दोस्तों जो मेरे प्राइस है मैं उसी में बेचूंगा, जो डिस्काउंट होती है मैं वीडियो में पहले ही दे चुका होता हूँ। कोई भी फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई यूज़ फ़ोन बेचना है या एक्सचेंज की कोई ऑफर चाहते हैं तो भी हमसे उस सूरत में भी रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताता हूं कि हमारे पास कौन कौन से फ़ोन हैं। दोस्तों सबसे पहला लिस्ट में मेरे पास आता है Redmi का न्यूली लॉन्च ये वाला A2 Plus है। 3GB 64GB इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, रैम देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, G36 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8 MP का कैमरा है। घरेलू यूज़ के लिए, ऑफिस वर्क के लिए एक बेहतरीन फ़ोन है। जो हैंगिंग वगैरह होती है किसी तरह की अगर किसी भी फ़ोन के अंदर, तो वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड गो का एडिशन है, आप इस पर रेगुलर यूजेज के लिए व्हाट्सएप, टिकटॉक, वीडियोस वगैरह चला सकते हो, किसी तरह की कोई लेगिंग वगैरह नहीं मिलेगी। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसकी मिलेगी 24,800 रुपये ओनली। इसके बाद हमारे पास आता है सैमसंग गैलेक्सी का A14 4GB 128GB वाला। दोस्तों ये वेरियंट है, बेहतरीन कैमरा सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्राइस की बात करूं तो 4128 वाला ये आपको मिलता है 59,400 रुपये का ओनली। इसके बाद हमारे पास आते हैं ओप्पो वीवो के मॉडल, तो ओप्पो से शुरुआत करते हैं। ओप्पो में हमारे पास है A17 4GB 64GB वाला ये वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। इसकी खास बात है इसकी 50 MP का कैमरा और बहुत ही खूबसूरत तरह का डिज़ाइन इसका आपको देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि डार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में देखने को मिल जाता है। वो लोग जो एक कैमरा फ़ोन चाहते हैं, एक खूबसूरत फ़ोन चाहते हैं और बजट भी उनका थोड़ा सा हाई है, 50 के अंदर अंदर है, और रेगुलर यूजेज और थोड़ा हेवी परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन चाहिए तो इसको देख सकते हैं। ओप्पो का फ़ोन है, बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज अच्छी चीज़ है, बहुत बेहतरीन चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसकी आपको देखने को मिलेगी ओप्पो की इस वक्त पर 45,000 रुपये ओनली। इसके बाद आते हैं वीवो की जानिब। दोस्तों वीवो में 8 128GB वाला Y73 देखने को मिलता है, न्यूली लॉन्च मॉडल है, बहुत ही बेहतरीन कैमरा सेटअप है, 64 MP का बैक कैमरा है, स्लिम और स्लीक डिजाइन देखने को मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 33W का फास्ट चार्जर इसमें आपको देखने को मिलेगा, 8GB की इसमें अपनी रैम है प्लस 4GB की एक्सटेंड रैम देखने को मिल जाती है, मीन्स के इसमें आपको 12GB की टोटल रैम देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी है। अच्छा, हेवी यूज़ के लिए फ़ोन चाहिए, बेहतरीन कैमरा, वीडियो वगैरह के लिए फ़ोन चाहिए जिसमें एडिटिंग भी हो सके, रिकॉर्डिंग भी इसी फ़ोन से हो सके, तो वो यही फ़ोन है। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों वीवो का Y73 मिलता है 85,800 रुपीज़ का। इसके बाद हमारे पास आता है स्पार्क्स कंपनी का फ़ोन। दोस्तों ये स्पार्क्स का न्यू 7 Ultra है, 6GB 128GB वाला वेरियंट है, 5000 mAh की बैटरी है, 50 MP का कैमरा है इसमें, और स्लिम स्लीक डिज़ाइन इसका भी आपको देखने को मिलता है, इसकी फिंगरप्रिंट भी आपको साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगी। अच्छा, सबसे खूबसूरत इसकी जो चीज़ है वो इसका डिज़ाइन, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन देखने को मिलेगा। कम पैसों के अंदर इस वक्त अगर आपको 6GB वाला फ़ोन चाहिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक चाहिए तो वो आपको ये देखने को मिलेगा। जहाँ तक प्राइस की बात की जाए तो 37,800 रुपये में स्पार्क न्यू 7 Ultra देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आईटेल भी कहाँ पीछे रहने वाला है इन तमाम तक चीज़ों के साथ। आईटेल में आपको S23 देखने को मिल जाता है, 8GB 256GB, ये वो पहला फ़ोन है आईटेल की जानिब से स्मार्टफोन जो कि 8GB के वेरिएंट में आया है और तमाम तर बेहतरीन स्पेक्स के साथ। टाइप सी की आपको चार्जिंग पोर्ट इसमें देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, 50 MP का कैमरा और 19Hz वाला रिफ्रेश रेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और लुक तो आप यहाँ पर ये देखें, ये लुक आप इसका देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लुक इसका बनाया गया है। जहाँ तक मैं प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों प्राइस इसकी आपको देखने को मिलती है 36,000 रुपये, 8GB 256GB में 36,000।
ये दो ऐसी कंपनियां इस वक्त जो कि कम पैसों के अंदर आपको एक बेहतरीन डिवाइस प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आते हैं टेक्नो और इन्फिनिक्स की जानिब। टेक्नो में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है केमन 20 8GB 256GB है ये भी, प्लस इसमें 8GB आपको अपनी और रैम देखने को मिल जाती है, यानी कि 16GB की रैम है। एमोल्ड डिस्प्ले है, 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर, 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। डेली डे यूजेज हो, हैवी यूजेज हो, या कोई गेमिंग प्ले करनी हो तो आप वो भी इसमें आप प्ले कर सकते हैं। गेमिंग के लिए भी एक बेहतरीन फ़ोन साबित होने वाला है, बेजल लेस कहा गया है, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक इसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत हैवी यूज़ करना है तो भी कोई मसला नहीं है, बड़ी बैटरी चाहिए कोई मसला नहीं, फास्ट चार्जिंग चाहिए कोई मसला नहीं, पबजी खेलना है तो भी मसला नहीं है। एमोल्ड डिस्प्ले, खूबसूरत कलर और बेहतरीन कैमरा प्रोवाइड करता है। प्राइस की बात करते हैं दोस्तों, 8GB 256GB वाला केमन 20 आपको देखने को मिलता है 54,400 रुपये में। इसका ही कॉम्पिटिटर इन्फिनिक्स पास आता है, इन्फिनिक्स का नोट 30 8GB 256GB वाले वेरियंट है, 45W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, हेलियो G88 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ड्यूल स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों वो लोग जो इन्फिनिक्स के फैंस हैं, खूबसूरत और स्टाइलिश लुक चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ोन है। इसमें आप पबजी प्ले कर सकते हैं, हेवी परफॉर्मेंस इस पर आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा फास्ट चार्जिंग चाहिए तो 45W का फास्ट चार्जर तो वैसे ही आपको इसमें देखने को मिल रहा है। जहाँ तक प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसमें आपको नोट 30 256GB की मिलती है 55,500 रुपये की ओनली। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे फ़ोन की जानिब। रेडमी है हमारे पास दोस्तों। रेडमी वो ब्रांड है जो कि फर्स्ट पोजिशन पर भी आ चुका है स्मार्टफोन्स की वर्ल्ड के अंदर। तो अब जो इन्होंने लॉन्च किया है रेडमी का नोट 12 है, बेहतरीन फ़ोन है। कैमरा सेटअप तो मैं क्या ही बोलूँ रेडमी का, और यूआई बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है, इसमें प्रोसेसर हाई देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर पबजी लवर्स हैं और रेडमी का फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। इसमें एक 8GB वाला आता है और एक 6GB वाला भी आता है, लेकिन इस वक्त हमारे पास 8GB वाला वेरियंट है तो मैं इसी की प्राइस इसकी आपसे बात करूँगा। अगर रेडमी में आप हाई रेंज के अंदर कोई फ़ोन बाय करना चाहते हैं, बजट अच्छा है और तमाम तर हर एक यूजेज के लिए एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो वो ये फ़ोन है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इजीली कि आप इसे बाय करके अपने तमाम तर यूजेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक प्राइस की बात की जाए तो 63,500 रुपये के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा 8GB 128GB वाला वेरियंट। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट रियलमी देखने को मिल जाता है, C35 है, 4GB 128GB वाला वेरियंट है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और कैमरा की बात आ ही गई है तो मैं रियलमी की खासियत बयान कर दूं कि यहाँ का जो कैमरा है, कलर इसकी सिचुएशंस, कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, चाहे वो पिक्चर क्वालिटी हो या वीडियो क्वालिटी हो, तमाम तरह में एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बाकी 5000mAh की बड़ी बैटरी है, प्राइस इसकी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। खूबसूरत डिज़ाइन है, बिल्कुल स्लिम सा आपको इसमें साइड्स देखने को मिलते हैं, आईफोन की शेप का ही बनाया गया है, काफ़ी अपने इस लुक की वजह से काफ़ी पजीराई हासिल है इसको, काफ़ी सेल इसकी अच्छी हुई है। जहां तक प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों प्राइस इसकी है 50,900 रुपये। मैं ये बता दूं कि इनमें से कोई भी फ़ोन अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी फ़ोन हो या इनके अलावा भी कोई और फ़ोन लेना चाहते हैं जो डब्बा पैक हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूज़ में कोई फ़ोन चाहिए, हमारी वीडियोज़ आती है उसी टाइम बुक कर लीजिएगा। और अगर कोई एक्सचेंज ऑफर करनी है, कोई फ़ोन बेच के कोई भी फ़ोन बाय करना, चाहे वो यूज्ड हो चाहे वो बॉक्स पैक हो, तो उस सूरत में भी हमसे रब्ता किया जा सकता है। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अपनी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।